हैदर, मेरा इंतकाम लेना मेरे भाई से। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागना जिन आंखों से उसने तुम्हारी मां पर फरेब डाले थे। डार्क एंड इंटेंस एज एक्सपेक्टेड, ये है विशाल भारद्वाज की मच अवेटेड शाहिद कपूर स्टारर फिल्म हैदर का फर्स्ट लुक। चले रहे सारी जिंदगी। और इस ट्रेलर में शाहिद के साथ साथ तबू, इरफान खान, के मेनन और श्रद्धा कपूर भी काफी सीरियस रोल्स में नजर आ रहे हैं। मैं खुद के अपने भाई, गायब है कई महीनों से। डिसअपीयर्ड लोगों की बीवियां आधी बेवा कहलाती है या हाफ विडोज। एक भूख से मिया सब उड़ गया धुआ, वो जो सांस की एक फांस थी वो निकल गई, जो खराश थी। I have loved you more than my life. वो खलिश गई। आज हम झूठ बोले ना नहीं अच्छे लगते। दिल की अगर सुनूं तो है, दिमाग जान लो कि जान तो मैं रहूं कि मैं नहीं बदला। लेकिन अनलाइक द डार्क एंड इंटेंस ट्रेलर, इस ट्रेलर का लॉन्च इवेंट रहा क्वाइट लाइट हार्टेड, जहां ये सभी एक्टर्स मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान काफी हंसी मजाक करते नजर आए। और काफी गुस्से से देख रहे हैं आप, तो जानना चाहूंगा कि इतना गुस्सा क्यों? आधे सेकंड के शॉट में तुझे गुस्सा भी दिख गया है, तो आने से पहले कट हो जाता है। और ऐसी हाँ। क्या कुछ जरूरत पड़ी कि स्कल लेना पड़ा आपको अपने हाथ? आपने हैमलेट पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रेवयार्ड में एक सीन है जहाँ हैमलेट एक मरे हुए इंसान की स्कल को निकाल के टू बी और नॉट टू बी डायलॉग बोलता है, है ना? एडेप्टेशन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं हैमलेट के अंदर जो इतनी क्लासिक हैं कि विशाल सर ने उनको रिटेन किया है फिल्म के अंदर। हैमलेट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ दिस फैमिली where you know the father has been killed and everyone knows about this story. KK और इरफान, I think they are one of the best actors we have in our country. और KK के साथ में बहुत वक्त से काम करना चाहता था। ट्रेलर पे देख सकते हैं कि मूवी बहुत इंटेंस है, बट ड्यूरिंग द शूटिंग हु वाज द मोस्ट नॉटिस्ड पर्सन ऑन द सेट, जो हल्का फुल्का सेट पे एटमॉस्फेयर कर रहे थे उस हिसाब से। सो यू वांट मी टू कन्फेस इज इट? आई थिंक श्रद्धा जो है वो एक उभरती कलाकार है, नई स्टार हैं और उनके अंदर एक चुलबुलापन और यूथफुलनेस है, तो उसको हमने एक्सपीरियंस किया इस फिल्म के सेट पे। इसके बारे में और बताएंगे आपको श्रद्धा का आगे। आपके चुलबुलेपन के बारे में आप नहीं बताएंगे? मैं तो हैमलेट हूँ, टू बी और नॉट टू बी में खोया हुआ हूँ। आई एम टू इन्वॉल्व विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ टू थिंक अबाउट चुलबुलापन। फाइनली विशाल जी, आपको कौन कहेंगे कि नॉटिस्ट कौन, श्रद्धा या शाहिद? हाँ, विशाल जरूर अपनी इस फिल्म को लेकर काफी सीरियस दिखे, तभी तो जब भी किसी ने उनसे या किसी और से कोई हंसी मजाक वाला सवाल पूछा तो कॉन्वर्सेशन को दोबारा फिल्म की तरफ लाने के लिए विशाल ये कहते रहे। ऐसा सवाल पूछना कि सर फिर से आगे बढ़े नहीं बोले प्लीज। हाँ यकीन है, विशाल जी तो बोलते हैं आगे बढ़ो। It is very exciting as an actor to play roles which are not black and white, which are not single layered, so to say. And one of my favorite characters in life is the Joker in Batman. So I think we all love bad people and bad things and hey, villain, we love. पिछले दिनों में काफी चर्चे हो रहे थे, खबरें आ रही थीं। मैं सवाल का वेट कर रही थी। हाँ, इसलिए मैंने वो पूछा। तो क्या कहना चाहेंगी जो दौर पिछले 3-4-6 दिनों में गुजरा है और अभी क्या माहौल है? वो है जो बात मुझ में है मेरी तस्वीर में नहीं, समझे? चलिए शाहिद, you haven't charged anything for this film, so उसका क्या रीजन है? When I heard it from Vishal sir, we felt like we wanted to be as true to the film as we could and we didn't want the pressure of either his remuneration or mine to curb us. What was the second part of the question? I'm sorry.
और इसी के चलते कैसे बन गए ये मीडिया इंटरैक्शंस अ फन राउंड ऑफ प्रमोशन फॉर दिस इंटेंस फिल्म, ये भी देखिए। विशाल सर ने कहा अभी कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि फिल्म चले या ना चले, अब वो अपना काम आगे रखते हैं। यू टीवी को कितनी परवाह है कश्मीर कश्मीर में शूटिंग की है ठंडी में, बॉक्स ऑफिस में कितनी गर्मी चाहिए? देखिए जब यू टीवी जैसे प्रोड्यूसर साथ में हो ना तो मुझे परवाह नहीं होती क्योंकि वो अपने अंदर आपके अगर कोई चीज को विनाश करना हो या खत्म करना हो तो आप पांचों क्या करना चाहेंगे? शायद आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। हाय, आप कहाँ? पहले तो आप दिखे। मैं सर आपके लेफ्ट में हूँ। या क्या खत्म करना हो तो खुद के अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात हो रही थी। आपके हाथ से माइक सबसे पहले छीनना चाहता हूँ। ये करना चाहूंगा मैं विनाश। सभी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई या बुराई होती है, कुछ ऐसी बुराइयां जो आप खुद के अंदर की जिनको खत्म करना चाहें। शायद श्रद्धा, देखिए हम सिनेमा कर रहे हैं आध्यात्म नहीं, तो आप जरा उस प्रश्न को सिनेमा तक रखिएगा तो अच्छा होगा। गुड आफ्टरनून विशाल, विक्रम थापा फ्रॉम एनडी टीवी। अच्छी आवाज है आपकी, धन्यवाद। वे विक्रम, यू हैव अ बैड थ्रोट और दैट्स जस्ट हाउ यू साउंड? No, that's how I sound. Killer, man. Killer. Can you dub for the rest of the film for me? Mic testing, 1, 2, 3, hello. Awaaz aa rahi hai aap logon ko? Hello, 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 hello. हाँ, श्रद्धा से सिंगिंग ना करवा कर फिल्म में तबू से गाना गवाने की बात पूछे जाने पर विशाल ने एक रेवलेशन और एक अनाउंसमेंट भी कर दी। हमने खबरें पढ़ी है कि तबू मैम गाना गा रही है इस फिल्म में। श्रद्धा ने अभी एक विलन में बहुत हिट नंबर दिया था, आप उनसे गाना गवाने का क्यों नहीं सोचा आपने? वो उन्होंने उन्होंने परसों डब कर दिया। श्रद्धा कैन सिंग, डू प्ले। नहीं नहीं, शी हैज ऑलरेडी डब्ड हर सॉन्ग, शी इज ऑलरेडी सिंगिंग, शी हैज गॉट हर ओन सॉन्ग। हम एक्चुअली सरप्राइज रखने वाले थे पर अभी विशाल सर ने बोल ही दिया। तबू मैम और मैं, हम दोनों इस फिल्म में गा रहे हैं, तो बस रिसेंटली रिकॉर्ड किया। और मैं कमीने से ट्राई कर रहा हूं, मुझे गाने नहीं दे रहे सर। और ये दोनों परफॉर्म भी करेंगे स्टेज के ऊपर जब हम लोग म्यूजिक लॉन्च करेंगे। और यहाँ भी शाहिद ने अपनी नॉटी साइड दिखा दी ये कहकर। और जब हमने एक सीन शूट किया था उसके अंदर सर ने मुझसे दो लाइनें गाने को कही थी, वो लाइनें उन्होंने सीन और फिल्म में से निकाल दी। तुम रियाज करो। बहुत खराब गाता हूँ। कुल मिलाकर कश्मीर के बैकड्रॉप पर बेस और शेक्सपियर की नॉवल हैमलेट से अडैप्टेड इस फिल्म का ये फर्स्ट लुक लॉन्च रहा क्वाइट एंटरटेनिंग। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऑडियंस इस डार्क और इंटेंस ड्रामा फिल्म को किस तरह एक्सेप्ट करेगी। आपने धोखा दिया मुझे, तू जाएगा या नहीं? सुरुचि महतपुरकर, कोरे जिंग, मुंबई।